जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 18। आज का लेक्चर जो है इसमें थोड़ी सी तरतीब हमारी चेंज होगी। आज के लेक्चर में आपसे मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा। हाँ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कम्युनिकेशन, ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के फ़र्क में। एक जगह पर उसने लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दो सबक गवर्नेंस को स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स। हालांकि कोड ऑफ एथिक्स यानी कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा होता है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स की, ऑडिटर कैसे इंडिपेंडेंट होगा। वो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की ऑडिट पे ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट रहना है, ये बात तो पक्की है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना होता है कि वो इंडिपेंडेंट है या कोई मसला इंडिपेंडेंस का। और अगर इंडिपेंडेंस का कोई मसला है तो वो क्या है। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को ये कम्युनिकेट करना होता है और अपनी रिपोर्ट में भी लिखना होता है कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया। रिपोर्ट के अंदर क्या लिखना होता है, मैंने अगर मेरी इंडिपेंडेंस का मसला कोई था या इवन नहीं भी था तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया डायरेक्टर को कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। रिपोर्ट के अंदर भी एक लाइन लिखी होती है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को आपने पक्का मजबूती से पकड़ लेना है। कंसेप्ट क्या कि अगर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का मसला, तो उसने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे फ्यूचर के एक चैप्टर में बार बार आएगा कि जहां कहीं ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे एक स्टेप ये भी आएगा कि कम्युनिकेट विद दोषा विद गवर्नेंस। तो आप शायद वहां पे पूछें कि सर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट होने के लिए सारे एक्शन तो उसने खुद से लेने हैं, तो डायरेक्टर्स को क्यों कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं फिर आपको याद करवाऊंगा कि ये रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी जिसमें उसने रिक्वायर किया था लॉ ने कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ऑडिटर ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है दोषारोपी गवर्नेंस को। क्लियर जी, ये एक कंसेप्ट में था, शायद इसको जेहन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात कर रहा था तरतीब थोड़ी सी चेंज। आज के लेक्चर में मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी स्टार्ट में, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो रिच कंटेंट लेक्चर है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत अहम है, ध्यान से आपने सुनना है एक एक चीज़ को। क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ चीज़ों को मैं रिपीट करूंगा, कुछ चीज़ों के ऊपर जोर दूंगा, कुछ चीज़ों की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसलिए टाइम बाय करने के लिए अपने लिए मैंने आपके जो क्वेश्चंस थे उनको आज के लेक्चर से हटा दिया है। कल जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एक बड़ा क्वेश्चन जो था जो स्टूडेंट पूछ रहे थे वो मैंने बता दिया। इसके अलावा बाकी के छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अटेंटिव हो जाइए कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आप सही कर सके। यानी जो सबसे अहम डिसीजन क्या है, कि ओपिनियन कौन सा एक्सप्रेस करना है। ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, अब ऑडिट सारा हो गया, अब ऑडिट कंप्लीट। फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं कि आपने सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, अब रिपोर्ट देने का टाइम आ गया है। रिपोर्ट देने का टाइम आ गया, सबसे अहम डिसीजन आप कर रहे हैं कि टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा। तो आज का लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आप इस काबिल होंगे कि बता सके किसी भी सिचुएशन में कि करेक्ट टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। तो हम तरतीब से चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं कि ऑडिटर सबसे पहले क्या चीज सोचता है, दूसरे नंबर पे क्या चीज सोचता है, उसके बाद वो कैसे कंक्लूजन तक पहुंचता है। जहन में रखिएगा आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ लेक्चर बड़ा क्लियर हो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है कि मेरा टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। ऑडिटर का टाइप ऑफ ओपिनियन हम सीखने जा रहे हैं जो कि रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम एलिमेंट और ऑडिटर का सबसे अहम डिसीजन होता है। तो सबसे पहले जब कभी ऑडिटर रिपोर्ट में टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने लगेगा, ऑडिटर दो चीजों को सामने रखेगा। ऑडिटर देखेगा ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले ऑडिटर देखेगा क्या एवेल्युएट करेगा, क्या चीज देखेगा कि क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, और अगर इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था, क्या उसका इफेक्ट इमटीरियल था, क्या उसका इफेक्ट मटीरियल था या उसका इफेक्ट परवेसिव था। ठीक है, तीन, पहले नंबर पे क्या कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, और दूसरे नंबर पे अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था, क्या इमटीरियल था, मटीरियल था या के परवेसिव था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की।
क्या जिस क्लाइंट पे हमने काम किया उसमें मिस स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, कल भी हमने डिस्कस किया था। क्विक रिकैप आपको दे रहा हूं, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड यानी आईएफआरएस जो रिक्वायर करता है उसमें और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, दोनों में फर्क हो तो वो मिस स्टेटमेंट होगा। आईएफआरएस ने कहा है कि अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुई या कम अमाउंट रिकॉर्ड हुई है वो क्या होगा? मिस। आईएफआरएस ने कहा है कि डिस्क्लोजर इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोजर नहीं है या वैसा नहीं है जैसा रिक्वायर किया था, ये क्या होगा? ये मिस स्टेटमेंट होगी। तो मिस स्टेटमेंट क्या है? आईएफआरएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क होना, इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आईएफआरएस के मुताबिक ना होना, ये है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा मिस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स क्या है? केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले एग्जाम्पल आपके जहन में बिठाना चाह रहा हूं, फिर वो जो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल है वो भी बता दूंगा। एग्जाम्पल है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है तीन तरह की, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, क्लासिफिकेशन में हो सकती है, डिस्क्लोजर्स में हो सकती है। अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट शो की गई है वो गलत है, जो इन्वेंट्री की अमाउंट शो की गई है गलत है, सेल्स की अमाउंट गलत है, एक्सपेंसेस की अमाउंट एक्सपेंसेस कम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस सही रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है, और फिक्स एसेट्स की अमाउंट ठीक नहीं, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, जो भी अमाउंट्स है वो अगर सही ना हो इसे हम क्या कहेंगे? अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस में मिस स्टेटमेंट्स होती हैं वो अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट कहलाती हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन की मिस। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि अमाउंट तो ठीक है लेकिन आपने उसे सही क्लासिफाई नहीं किया, जैसे फिक्स एसेट्स की अमाउंट तो ठीक है आपने उसे करंट एसेट में शो कर दिया, करंट लाइबिलिटी के अमाउंट तो ठीक है उसे नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर दिया ताकि करंट रेशियो इंप्रूव हो जाए। इसी तरह अदर इनकम थी उसको आपने सेल्स में क्लासिफाई कर दिया ताकि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा हो। तो ये चीजें, रिपेयर एक्सपेंस है फिक्स एसेट्स में क्लासिफाई कर दिया, फिक्स एसेट है रिपेयर में क्लासिफाई कर दिया, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस क्लासिफाई कर दिया, फाइनेंस, ये जो क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट्स हैं। अमाउंट हालांकि ठीक है लेकिन अगर क्लासिफिकेशन गलत हो तो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ये भी एक मिस स्टेटमेंट है। अमाउंट बिल्कुल ठीक है लेकिन आपने करंट के बजाय नॉन करंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया किसी आइटम को, क्या मिस स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल है, अमाउंट की गलती हो सकती है, क्लासिफिकेशन की, दूसरा डिस्क्लोजर्स की, मतलब जो स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर कहे थे इंक्लूड करने हैं वो इंक्लूड नहीं किए, या जैसे कहे थे वैसे इंक्लूड नहीं किए। एक होता है डिस्क्लोजर ना होना, एक होता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ना होना, दोनों मिस स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर दो, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, मिस स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड ने कहा रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दो तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी बताओ, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बताओ। क्लाइंट ने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन तो बताई, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं बताया। डिस्क्लोजर है तो सही लेकिन एडिक्वेट नहीं है, तो डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? कब होगी डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट? अगर डिस्क्लोजर दिया ही नहीं या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया गया है एडिक्वेट नहीं। तो आपको जो ज्यादातर मिस स्टेटमेंट्स केस स्टडी में मिलेंगी वो ये वाली मिलेंगी। ठीक है, हमारी केस स्टडी की क्लासिफिकेशन ये है, लेकिन रटे वाले क्वेश्चन के लिए क्लासिफिकेशन डिफरेंट है जो कि नोट्स में बुक में मौजूद है, वो मैं अभी आपको वो भी समझाता हूं। फिर आईटा का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर मिस स्टेटमेंट है? हम देखेंगे इमटीरियल है कि मटेरियल है। अच्छा अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मिस स्टेटमेंट इमटीरियल है कि मटेरियल, हमें कैसे पता चलेगा? ये अभी थोड़ी देर, हाँ प्रॉफिट की बेस पे बिल्कुल, ये अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल डिस्कशन भी होगी। तो अगर मिस स्टेटमेंट इमटीरियल है, अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेंगे, किस लिए? ताकि बाद में हमारे खिलाफ केस ना कर दे कि हमने सही ऑडिट किया। हम उनसे कहेंगे भाई ये मटेरियल, ये मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, आप बता दें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इमटेरियल आता, वरना ठीक करनी है तो ठीक कर ले, हमें इतराज कोई नहीं। ठीक है, नहीं ठीक करनी तो चूंकि इमटेरियल है फर्क कोई नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट है फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस हमें लिख के दे दे कि हमने आपको कम्युनिकेट कर दी थी, कल कला को हमारे खिलाफ केस ना हो। और अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है और मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। इसी तरह स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, जो दूसरी रीजन, दो ही रीजन है ओपिनियन मॉडिफाई होने की, एक मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या? कोई चीज गलत है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? कि एविडेंस नहीं मिल सका, एविडेंस नहीं मिल सका। दोनों में फर्क है, एक स्टूडेंट पेपर देने ही नहीं गया, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं वो पास होने वाला स्टूडेंट था कि फेल होने वाला स्टूडेंट था? नहीं होगा वो फेल, होगा वो फेल, लेकिन बताइए ये ज्यादा स्वेयर सिचुएशन आपकी जजमेंट, आपसे पूछता हूं कि वो स्टूडेंट जो के गया पेपर दे के आया और उसके मार्क्स आए 22, देखें अब ये देखिए इसमें हो सकता है जो पेपर दे के आया उसके बारे में तो हमें एविडेंस है कंफर्म, भाई इसको कुछ भी नहीं आता,
या इसको सेटिस्फैक्ट्री कंसेप्ट इसके पास नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट जिसने छुट्टी कर ली किसी वजह से, बीमार हो गया खुदा नास्ता, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, उस वजह से, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उसे कंसेप्ट का नॉलेज है या नहीं है? नहीं बता सकते कि उसे कंसेप्ट का नॉलेज है या नहीं है। लेकिन जिसके 22 मार्क्स हैं उसको आप बारे में आप बता सकते हैं कि इसको कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज नहीं है। तो एक होता है ऑडिटर वेरीफाई ही ना कर सके किसी चीज को, ये अलग केस है हमारे ऑडिट में। एक वेरीफाई किया और वो चीज गलत साबित हुई, ये अलग केस है। अगर वेरीफाई किया और सही साबित हुई, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर वेरीफाई किया और गलत साबित हुई, मिस स्टेटमेंट। और अगर वेरीफाई ही नहीं कर सका, स्कोप लिमिटेशन। ये जहन में रखिएगा, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में। स्कोप लिमिटेशन में तो ऑडिटर उसको एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाता कि वो सही है कि गलत है, वो सही है कि गलत है। ठीक है जी। अच्छा, जब कभी ऑडिटर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताइए, आपसे पूछता हूं, अगर हम स्टॉक काउंट करने के लिए गए, पता चला कुछ ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, उसे एनआरवी पे राइट डाउन नहीं किया, क्या है ये? मिस स्टेटमेंट। स्टॉक काउंट करने के लिए गए, पता चला कि जी लॉकडाउन है, किसी वजह से स्टॉक काउंट नहीं हो सकता, स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस। एग्जाम्पल्स क्या है? स्कोप लिमिटेशन की डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे वो स्कोप लिमिटेशन हो सकता है बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट या एंटिटी की वजह से हो। ठीक है, मैनेजमेंट या एंटिटी कंपनी खुद मना कर दे ऑडिटर को, भाईजान आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, हमारे पास वैल्यूअर की रीवैल्यूएशन रिपोर्ट तो है, जो फिक्स एसेट रीवैल्यू करवाए हैं, आपको रिपोर्ट नहीं देंगे हम, और इन्वेंट्री को स्टॉक काउंट नहीं करना, खुद से मैनेजमेंट मना कर दे, इसको क्या कहेंगे? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। एक ये। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्कोप लिमिटेशन है तो सही, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से नहीं, कुछ और रीजंस की वजह से, जैसे रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, जिसमें एंटिटी का कोई कंट्रोल ही नहीं, जैसे आग लग जाए। ठीक है, तो वो रीजन ऐसी है। अब आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि हो सकता है मैनेजमेंट ने खुद आग लगाई हो, नहीं, ये नहीं सोचना। अगर आग लग जाए तो वो क्या है? रीजन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी। इसमें अगर काउंटिंग रिकॉर्ड जल गया तो भी ये स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, इसमें बड़ा अहम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं दोनों एग्जांपल्स को, कि चाहे एडिटर को एविडेंस नहीं मिला ना, तो चाहे मैनेजमेंट का कसूर है चाहे मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, दोनों ही स्कोप लिमिटेशन होंगी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके। ठीक है जी। तो फिर अच्छा, और नेचर और टाइमिंग ऑफ वर्क, बाज़ का ऐसा होता है ऑडिटर को अपॉइंट ही ये रेंट के बाद किया गया है। जब ऑडिटर को अपॉइंट ही ये रेंट के बाद किया गया हो, तो क्या ये रेंट वाला 30 ऑडिटर ने ऑडिट करना है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, उसको अपॉइंट किया गया है 15 जनवरी 2023 को, तो क्या वो बैक डेट पे जाके स्टॉक काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, वो रिवर्स वर्किंग के जरिए से स्टॉक एस्टीमेट कर सकता है, लेकिन ये भी तब पॉसिबल होगा अगर काउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद हो दरमियानी ट्रांजैक्शन का। अगर दरमियानी ट्रांजैक्शन का काउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है तो ऑडिटर ये रिवर्स वर्किंग भी, अब ये भी स्कोप लिमिटेशन है। इसको हम क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन रिलेटिंग नेचर आर टाइमिंग ऑफ वर्क। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही स्कोप लिमिटेशन को ऊपर फोकस करना है, यानी क्लासिक डिफरेंस में एक ही चीज में रखें, क्या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है या बाय मैनेजमेंट नहीं है? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है या नहीं है? यहां तक बताइए, समझ आइए आप? स्कोप लिमिटेशन की कुछ एग्जाम्पल डिटेल में भी दोबारा डिस्कस करूंगा, बेफिक्र है, अभी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। इनमें से कोई भी स्कोप लिमिटेशन है, अगर है तो क्या करें? देखिए यहां पे भी यही कंसेप्ट देखा था ना, मिस स्टेटमेंट को पहले हमने समझा, मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल समझी, अगर मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो समझा। अब स्कोप लिमिटेशन भी इसी स्टाइल में सीख रहे हैं, क्या स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल सीख रहे हैं? ठीक है, और फिर अगर स्कोप लिमिटेशन है तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अच्छा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात इधर नहीं थी, मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर अगर कोई एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सका तो ऑडिटर क्या करेगा? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना लास्ट कंसेप्ट, उसने हमें यही सिखाया था, चैप्टर 2 था 3 था, उसने लास्ट कंसेप्ट स्टेटस ऑफ आईएसएस वाला लास्ट कंसेप्ट, कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म ना हो सके तो क्या करे? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो ठीक, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ना मिल सके, मॉडिफाइड ओपिनियन। हां, यहां पे एक चीज, यहां तक तो हर केस में काम होगा। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, अगर
तो ये वाली स्कोप लिमिटेशन बाकी की स्कोप लिमिटेशन से ज्यादा सवेयर होती है। इसीलिए अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, ऊपर वाला काम तो हर केस में होगा, लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो इसका इफेक्ट ज्यादा सवेयर होगा। हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा कि मैनेजमेंट हमें बिला वजह मना कर रही है, बिला वजह एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, कहीं कोई गड़बड़ या फ्रॉड तो नहीं। और अगर कोई गड़बड़ या फ्रॉड का रिस्क है तो हम क्या करते हैं, अपना रिस्क इंक्रीज कर देते हैं और एक्सट्रीम केस में एंगेजमेंट से विड्रॉ भी कर लेते हैं। क्लियर जी? एक दफा बोर्ड पे जो कुछ लिखा है ये सारा कंसेप्ट क्विकली गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें, फिर आपसे दो तीन चीजें पूछ के आगे चलते हैं फटाफट। क्लियर जी? अच्छा, इसमें एक दो चीजें मजीद आपको रिफ्रेश करवा दूं, क्योंकि ये नॉलेज आप केस स्टडी में यूज करेंगे। आप जो भी चीजें सीख रहे हैं ये केस, खास तौर पे ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन वाला नॉलेज आप केस स्टडी के सोल्यूशन में यूज करना है। एक दो चीजें आपको मैं बता दूं केस स्टडी के पॉइंट। पहली चीज, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर फौरी तौर पे ओपिनियन देने की बजाय पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है इसको करेक्ट कर ले। अगर मैनेजमेंट से करेक्ट कर ले तो वैसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं, और ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। तो आपने केस स्टडी में कोशिश करनी है कि पहले ये लाइन भी लिखा करें कि ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दे, ठीक है? इफ नॉट करेक्टेड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है? इफ करेक्टेड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड। इसी तरह स्कोप लिमिटेशन भी जब आए ना तो आपने एक लाइन कोशिश करना है कि हर केस स्टडी में ऐड कर दे, मतलब सोचना जरूर है कि ये लाइन ऐड होगी। वो लाइन क्या है कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो ठीक, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ना मिला तो मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए आप वन बाय वन। जी बिल्कुल, ये याद रखें, मिस स्टेटमेंट भी इमटीरियल मटीरियल या परवेसिव हो सकती है। क्वेश्चन का ये है कि क्या स्कोप लिमिटेशन भी इमटीरियल मटीरियल या परवेसिव हो सकती है? क्या स्कोप लिमिटेशन भी इमटीरियल मटीरियल या परवेसिव हो सकती है? इसका जवाब है यस, स्कोप लिमिटेशन भी इमटीरियल मटीरियल या परवेसिव हो सकती, मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है, ठीक है? देखिए ऊपर बोर्ड में दूसरी चीज में यही बताया, पहले में हमने क्या डिसाइड करते हैं, मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन, और दूसरे में क्या डिसाइड करते हैं उसका इफेक्ट क्या है। ये दो डिसीजन जब कर लेते हैं तो तीसरा और आखिरी डिसीजन ऑडिटर का ऑटोमेटिकली हो जाता है। तीसरा और आखिरी डिसीजन कौन सा है, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। क्लियर जी? मिस्टर जी, जी ये मैं उसकी तरफ आता हूं, इसकी तरफ, किस सिचुएशन में अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इनमटीरियल है तो कौन सा ओपिनियन, मटीरियल है तो कौन सा ओपिनियन प्रवेशी, ये मैंने अभी सिखाना है, ये मैंने अभी आपको सिखाना है। जी हमने मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में लिखा है कि मिस स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आईएफआरएस। स्टूडेंट का ख्याल है क्या ये आईएफआरएस की बजाय एएफआरएफ नहीं होना चाहिए था? एएफआरएफ मोर एक्यूरेट है लिखना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, आईएफआरएस, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आईएफआरएस का नाम लिख दिया, वरना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखें वो मोर एक्यूरेट है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी वन बाय वन। अब क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैंने अभी आगे समझाने हैं, इसीलिए हम आगे चलते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या चीजें सीखी कि जब कभी ऑडिटर ओपिनियन देने लगेगा देखेगा मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन, और दूसरे नंबर अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है, इमटीरियल मटीरियल के परवेसिव। शाबाश, अब आगे चलते हैं।
अब आपको कुछ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की वो एग्जांपल जो बुक में दी गई है, ताकि जब आप रिप्रोडक्शन रटे वाला क्वेश्चन तैयार करें, अगर पूछ ले आई कैप कि मुझे एग्जांपल्स बताओ मिस स्टेटमेंट की, एग्जांपल्स बताओ स्कोप लिमिटेशन की, तो क्या हम अपनी मर्जी की एग्जांपल बताएं या वो वाली एग्जांपल बताएं जो लिखी हुई है बुक में? बिल्कुल, जो बुक में लिखी हुई है उसको वो ज्यादा पसंद करेगा। हालांकि हमारी वाली एग्जांपल भी गलत नहीं होगी, लेकिन वो ज्यादा पसंद करेगा जब उसकी वाली एग्जांपल। कहता है मिस स्टेटमेंट्स की एग्जांपल सुन लीजिए। मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन रीजन की वजह से आ सकती है। अच्छा, अब इसमें जिस एग्जांपल को मैं आपको फोकस करूँ उस पर फोकस करना है, जिसका कहूँ रटा लगाना है आपने उसका रटा लगाना है, ठीक है? बार बार नहीं पूछना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी ध्यान में रखिए, जिस एग्जांपल को मैंने कह दिया रटा लगाना है तो मतलब उसका रटा लगाना है, बार बार नहीं पूछना कि इसका मतलब क्या है। एक दफा पूछेंगे फिर भी नहीं बताऊंगा, 10 दफा पूछेंगे फिर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ आपने उसका रटा लगाना, ठीक? फिर कह रहा है मिस स्टेटमेंट इन तीन रीजन की वजह से मिस स्टेटमेंट की तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, के क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की वो ठीक थी, अप्रोप्रिएट थी कि नहीं। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की वो सही अप्लाई की कि नहीं। दोनों में फर्क क्या है? पहले में कह रहा है देखो अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है कि नहीं, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो आगे जाने की जरूरत, उसकी कैलकुलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्लाइंट कहता है मैंने इन्वेंटरी को लाइफो बेसिस लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर वैल्यू किया है, उसकी कैलकुलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी अमाउंट मिस स्टेटमेंट है। ये है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। और दूसरी कैटेगरी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट फाइफो की, पॉलिसी ठीक थी फाइफो की, लेकिन वैल्यूएशन करते हुए 215 की बजाय 2150 का रेट यूज कर लिया गलती से। सेलेक्शन ठीक है, एप्लीकेशन गलत है, ठीक है? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की गलत, वो तो ऑटोमेटिकली गलत, वो तो दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है तो हो सकता है उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो। अच्छा, सेलेक्ट भी ठीक की, अप्लाई भी ठीक की, डिस्क्लोजर में बताते हुए कोई गलती करते, ठीक है? डिस्क्लोजर सही नहीं थे, हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइफो बेसिस के ऊपर, वैल्यू भी ठीक है, डिस्क्लोज करते हुए बेसिस ऑफ इन्वेंटरी लाइफो लिख दी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है फाइफो के ऊपर ही, डिस्क्लोज करते हुए लाइफो कर दिया, क्या ठीक किया कि गलत किया? गलत किया, वो भी तो गलती है। पेपर सारा ठीक किया, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बस अपना CRN नंबर गलत लिखा है, डिस्क्लोजर गलत, बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। डिस्क्लोजर क्या मिस स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल है, बहुत बड़ी, इसीलिए डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। समझ आ गया? ये सेलेक्शन ऑफ काउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग पॉलिसी, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है? आगे फर्दर एग्जांपल बता रहा है, सेलेक्टेड काउंटिंग पॉलिसी नॉट काउंटिंग पॉलिसी AFRF के मुताबिक नहीं है, जैसे फाइफो की बजाय लाइफो कर दिया, फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस स्टेटमेंट है जी, है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट करेक्टली डिस्क्राइब एन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन सही नहीं है। ये थोड़ा सा हमारा डिस्क्लोजर से मिलता जुलता है, क्योंकि डिस्क्राइब होती है ना अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर में होती है, लेकिन जहां पे आई कैप ने फिट किया हमने भी उधर कर दिया। अकाउंटिंग पॉलिसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं, उसको डिस्क्राइब ठीक नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट आर डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन ए मैटर डेट अचीव फेयर प्रेजेंट। कहता है एक सिचुएशन है, ये एग्जांपल है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को सामने रखे, अगर आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल, जरा सुन के जवाब दीजिएगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, फ्रेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, लेकिन फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि उसमें किसी एडिशनल चीज की भी जरूरत थी, अब वो एडिशनल चीज नहीं दी गई, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो मिस स्टेटमेंट है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो फिर नहीं है। और यहां पे चूंकि उसने लफ्ज यूज किया है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, इसका मतलब है वो बता रहा है कि फेयर प्रेजेंटेशन में अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन इवेंट डिस्क्लोज नहीं हुआ तो वो मिस स्टेटमेंट है। क्लियर? यस सर। अब ये याद करने वाली एग्जांपल्स हैं, ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में वो नॉर्मली नहीं पूछता, रिप्रोडक्शन में आपने ये छापे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट अप्लाइड करेक्टली, यानी अप्लाई करते हुए एरर कर दिया, ठीक है, 215 की बजाय 251 लिख दिया। दूसरा, सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट अप्लाइड कंसिस्टेंट, ये है करेक्टली अप्लाई नहीं किया, ये है कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, ठीक है? यानी पिछले साल इन्वेंटरी की, अब मैनेजमेंट पता है कैसे खेल, लॉ में ना कुछ लूप होल्स होते हैं, और ये जो लॉयर्स या एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट करती है, पिछले साल, हाँ भाई
इन्वेंट्री की बेसिस कौन कौन सी अलाउड है, फाइफो वेटेड एवरेज, फाइफो के मुताबिक क्या प्रॉफिट आ रहा है, कम, वेटेड एवरेज में क्या प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा, वेटेड एवरेज करो। अगले साल फिर हिसाब लगाया, अब किस में प्रॉफिट ज्यादा रहा, फाइफो में, फाइफो के ऊपर वैल्यूएशन करो। आइटम ने पूछा चेंज क्यों करें, अलाउड है सर, आईएसओ अलाउ करता है, दोनों को अलाउ करता है, फिक्स एसेट में इस साल कॉस्ट में ले आओ, प्रॉफिट वैल्यू कम है, अगले साल मार्केट वैल्यू ज्यादा है, रिवैल्यूएशन कर लो, अगले साल फिर वैल्यू डाउन हुई, कॉस्ट पे ले आओ। अब मैनेजमेंट जब ऐसे खेलती है तो मकसद इसका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयर प्रेजेंटेशन है? नहीं, बेस्ट व्यू। तो इसीलिए अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की गई, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की गई, और ऑडिटर चे कंकर में कंकर में एग्री नहीं करता, ऑडिटर चेंज से एग्री नहीं करता, तो वो मिस स्टेटमेंट होगी। अगर ऑडिटर चेंज से एग्री कर, यानी वो ये नहीं कह रहा, नोट कीजिए, कि हर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मिस स्टेटमेंट है, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडिटर एग्री नहीं करेगा तब मिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। यानी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन का मतलब पता है ना, पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी इस साल भी वही होनी चाहिए। अगर चेंज की है, अगर चेंज, तो ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर से एग्री करवाना जरूरी होता है कि सर देखिए आईएफआरएस के मुताबिक किया ना। अगर ऑडिटर को लगे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, ये सरकमस्टेंसेस को सामने रख के नहीं, प्रॉफिट को सामने रख के किया, ऑडिटर क्या करेगा, एग्री, एग्री नहीं करेगा तो क्या होगा, मिस स्टेटमेंट होगी। मिस स्टेटमेंट है, याद रखें, IAS 8 पढ़ा होगा आपने, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की इजाजत देता है, इजाजत देता है, लेकिन कंडीशन लगाता है, क्या, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो फिर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट की पूरी कोशिश होती है कि फेयर प्रेजेंटेशन गोली मारो, प्रॉफिट को देख के करो। इसलिए जहां कहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, एज ऑडिटर हमने देखना है कि वो फेयर प्रेजेंटेशन के मुताबिक ठीक है, वरना मिस स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर की एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड ऑल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए थे, जैसे रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है स्टैंडर्ड, जैसे गोइंग कंसर्न इश्यूज के डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है, और मैनेजमेंट को बड़ी तकलीफ होती है इस तरह के सेंसिटिव डिस्क्लोजर मेंशन करते हुए, वो नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है। इसी तरह डिस्क्लोजर दिए तो सही, लेकिन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है, ये भी इसमें तो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, इसमें डिस्क्लोजर दिया लेकिन फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है, इसको कहते हैं नो डिस्क्लोजर, इसको कहते हैं नो एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ठीक। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड डिस्क्लोजर नेसेसरी टू अचीव, फिर ये वही बात हो गई, ये ऊपर वाले के डिस्क्लोजर सारे दिए, लेकिन मजीद भी कोई डिस्क्लोजर देना चाहिए था, फ्रेमवर्क के मुताबिक सारे डिस्क्लोजर है लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्क्लोजर आना चाहिए था, फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ा था ना, एडिशनल डिस्क्लोजर आना चाहिए था, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, वो क्या होगा, मिस स्टेटमेंट। क्लियर होगी ये बात? अच्छा फिर से क्विक रिकैप, मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्जाम्पल को समझते समझते बड़ा कंसेप्ट कंप्रोमाइज कर दें। बड़ा कंसेप्ट क्या है, हमने ओपिनियन देने से पहले देखना है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो इसका इफेक्ट क्या है, इमटीरियल, मटीरियल और परवेसिव। क्लियर, बात समझ आ रही है? अभी हम, अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन किया लेक्चर के इस हिस्से तक, तकरीबन आधे घंटे में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट को डिस्कस करते रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन को भी। क्लियर, अच्छा अब स्कोप लिमिटेशन जो है उसकी एग्जाम्पल्स भी उन्होंने किताब में, उसकी एग्जाम्पल भी लगे हाथों कवर करते थे। कहते हैं स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल्स क्या है, स्कोप लिमिटेशन की तीन एग्जाम्पल्स हैं, पहले आपकी फेवरेट वाली, स्कोप लिमिटेशन इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट या एंटिटी कह ले, इसमें ये कौन सी स्कोप लिमिटेशन है जिसमें मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट खुद से हमें एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दे रही। एग्जांपल्स क्या है, मैनेजमेंट प्रिवेंस ऑडिटर फ्रॉम काउंटिंग फिजिकल इन्वेंटरी, अगर तो कोरोना की वजह से स्टॉक काउंट नहीं करने दिया ना, वो ऊपर आ जाता है, सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, ठीक है। और अगर खुद अपनी ही मर्जी से उन्होंने कहा काउंट नहीं करना, बाय मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट प्रिवेंट द आइटम फ्रॉम सेंडिंग कंफर्मेशन टू पार्टी, किसी डेटर को, किसी क्रेडिटर को मैनेजमेंट ने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, ठीक है, ये स्कोप मैनेजमेंट खुद, हालांकि कोई वैलिड रीजन नहीं है, अगर कोई वैलिड रीजन हो तो वो सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंड, जैसे हो सकता है झगड़ा चल रहा उसके साथ कोई, वो बियॉन्ड में आ जाए, लेकिन अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है
स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। तीसरी एग्जांपल क्या है, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू व्हाट, आपका फेवरेट क्वेश्चन सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या, ये क्या है, रिटर्न इंफॉर्मेशन है जो कौन देता है, मैनेजमेंट, किसको, ऑडिटर, कब, एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट भी ले सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इकट्ठी करके एग्रीगेट कब लेते हैं, अगर मैनेजमेंट इनकार कर दे नहीं देनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिर्फ स्कोप लिमिटेशन नहीं, स्कोप लिमिटेशन बाय, सिर्फ स्कोप लिमिटेशन में और स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट में फर्क है, क्या फर्क है, कौन सा स्टूडेंट बताएगा, शाबाश, क्या फर्क, शाबाश, स्कोप लिमिटेशन बाय, देखे ओपिनियन मॉडिफाई दोनों सूरतों में होगा, शाबाश, लेकिन जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होगी उसमें रेज ज्यादा हो जाएगा। अब ये स्कोप लिमिट बाय मैनेजमेंट तो हो गया, अब पढ़ते हैं सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, यानी जिनमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, काउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, अंडरलाइन डिस्ट्रॉय को तो कर लें लेकिन काउंटिंग रिकॉर्ड को भी करें, काउंटिंग रिकॉर्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, क्या चीज डिस्ट्रॉय हुई, ये स्कोप लिमिटेशन है, अगर एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हो वो मिस, क्योंकि वो इंपेयरमेंट करनी होती है, इंपेयरमेंट ना करे तो मिस स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी हैव बीन सीज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इनडेफिनिटी का मतलब है कुछ नहीं पता वापस कब मिलेंगे, और गवर्नमेंट जब रिकॉर्ड सीज करती है बाकी कुछ पता नहीं होता कि वापस कब मिलेंगे, तो अगर रिकॉर्ड सीज कर ले गवर्नमेंट, अपने कब्जे में कर ले, हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ होगा नहीं, ये क्या होगा स्कोप, लेकिन इसमें मैनेजमेंट का कसूर है क्या, नहीं है। अब सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर आर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज सच दैट ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्जर्व काउंटिंग ऑफ, देखे अगर ये डेट से पहले अपॉइंटमेंट हो गई ऑडिटर की और मैनेजमेंट ने स्टॉक आउट नहीं करने दिया, ये भी लेकिन ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये इधर की, और अगर अपॉइंटमेंट ही हुई ईयर एंड के बाद किसी वजह से, मैनेजमेंट ने कहा सर हमारी तरफ से कर ले, कर सकते हैं तो, लेकिन उसका ताल्लुक टाइमिंग से है, टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसी है ऑडिटर वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, स्कोप कौन सी, टाइमिंग ऑफ। अब दूसरी एग्जाम्पल क्या है, एंट्री इज रिक्वायर्ड टू यूज इक्विटी मेथड ऑफ काउंटिंग फॉर एन एसोसिएटेड एंटिटी एंड ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड एंटिटी, आपने इक्विटी मेथड के बारे में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, सुन ले ब्रीफली, जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़ा, एक होती है सब्सिडरी, एक होती है एसोसिएटेड कंपनी, अगर हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी हो ना, हमने करनी होती है कंसोलिडेशन अकाउंटिंग, अगर एसोसिएटेड कंपनी हो इक्विटी मेथड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की तरफ नहीं जा रहा कैसे करना है वो अकाउंटिंग में सीखेंगे, यहां पे आपको ये बता रहा हूं कंसोलिडेशन करनी हो या इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करनी हो, दोनों सूरतों में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी है, सब्सिडरी या एसोसिएटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी है। इमेजिन कीजिए क्लाइंट ने कहा सर कंसोलिडेशन कर दी हमने, हमने पूछा अच्छा जरा सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दो, मैंने कहा सर वो तो नहीं अभी बनी, है नहीं तो की किस चीज की कंसोलिडेशन, वेरीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, एसोसिएटेड कंपनी अंदाजे से अमाउंट एडजस्ट कर दी एसोसिएटेड की, हमने कहा भाई उसकी वेरिफिकेशन के लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है एसोसिएटेड की, उन्होंने कहा जी वो नहीं है, क्या वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो अगर कंसोलिड इसके साथ इक्विटी मेथड, उसने कहा मैं कंसोलिडेशन भी सिमिलर कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं, अगर कंसोलिडेशन या इक्विटी मेथड काउंटिंग हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो स्कोप लिमिटेशन। थर्ड एग्जांपल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस एंड एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स आर आल्सो थर्ड पार्टी, नहीं पूछना, इसका मतलब ना मैंने समझाना है ना आपने पूछना है, ये वाली एग्जांपल देखिए, आपको मिस स्टेटमेंट की एक एक एग्जांपल बताई भाई ने, बताइए स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल बताइए सारी, सिर्फ एक एग्जांपल कह रहे हो, इसको रटा लगा लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यूं समझ लें ये मुझे आती ही नहीं है, मुझे नहीं आती है क्या है, आपने इसका क्या करना है, कहीं से पूछने की सर्च करने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने का बोला तो मतलब रट्टा लगाना है, क्लियर। अब फिर वापस आ जाए, देखे मैं ये नहीं चाहता कि छोटे कंसेप्ट की वजह से बड़ा कंसेप्ट कंप्रोमाइज हो, ये एग्जांपल्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन और एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये छोटा कंसेप्ट है, अब वापस आ जाए, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको बता दिया था, करवा रहा हूं, अब वापस आ जाए बड़े कंसेप्ट की तरफ, बड़ा कंसेप्ट क्या था, फिर से ऑडिटर ने अपनी जिंदगी का प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करना है क्या,
टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा जो किन चीजों पे डिपेंड करता है? मिसस्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, या के मिसस्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेड। और अगर कोई मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है? परवेश इन मटेरियल, मटेरियल के परवेश। फिर से बोले, सबसे अहम डिसीजन आईटी की लाइफ का ओपिनियन किन फैक्टर को सामने रखेगा? पहला मिसस्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेड, दूसरा इन मटेरियल, बोले इन मटेरियल मटेरियल। प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन ओपिनियन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर मिसस्टेटमेंट का स्कोप, दूसरा इन मटीरियल मटीरियल के परवेसिव। अच्छा देखे कि सिर्फ कंसेप्ट ठीक होना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट की तरतीब होना भी जरूरी होता है। ठीक है, आईकेप की बुक में सारे कंसेप्ट ठीक है, लेकिन बाज जगहों पे मेरे ओपिनियन के मुताबिक तरतीब नहीं है। आपने शायद नोट किया होगा, यहाँ पे पहले मटीरियल था फिर इन मटीरियल, हालांकि बात तो वही तीन चीजें, लेकिन मैंने उसको चेंज किया क्योंकि कंसेप्ट ठीक होना भी जरूरी है, तरतीब से होना भी जरूरी है। पहले इन मटीरियल बोलना है आपने, फिर मटीरियल, फिर परवेश। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, इन मटीरियल क्या है, मटीरियल क्या पर... देखे क्या मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन क्या है, ये मैंने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब क्या समझाना है? इन मटीरियल, मटीरियल और परवेश एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसका पहले केस स्टडी का रूल सुन ले, केस स्टडी का रूल। इन कंसेप्चुअली आपको बताया था ना, एक होता है कंसेप्ट समझने समझाने वाला, एक होता है याद करने वाला, पहले समझने समझाने वाला। इमटीरियल वो चीज होती है जिसके गलत होने, होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यह है इमटीरियल। जैसे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, उसमें हजारों का मसला आ जाए, कोई फर्क नहीं, डिसीजन मेकिंग में फर्क तो नहीं पड़ता, वह है इमटीरियल। ठीक है, हमने इसको क्वांटिफाई किया कंसेप्ट को, उसने जो आपको डेफिनेशन दिया वो कुछ और है, हमने क्वांटिफाई किया केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5% ऑफ प्रॉफिट से कम की प्रॉब्लम हो, 5% ऑफ प्रॉफिट से कम की प्रॉब्लम, हम उसे कहते हैं इमटेरियल। अगर 5% या उससे ज्यादा और 50% तक की प्रॉब्लम हो, हम उसे कहते हैं मटेरियल। एग्जैक्ट 5% या एग्जैक्ट 50% भी मटेरियल। और अगर प्रॉब्लम 50% से ज्यादा हो, हम उसे कहते हैं परवेसिव, परवेसिव। ठीक है, ये बाद में जाके ना हमारे ओपिनियन को अफेक्ट करती है ये चीज। अगर मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो सही, लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, स्टिल हम क्या कहते हैं भला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन आवर मटेरियल रिस्पेक्ट्स। मिसस्टेटमेंट, नोट कीजिए, मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है सही लेकिन इमटेरियल है, तो हम क्या कहते हैं रिपोर्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल रिस्पेक्ट। अच्छा, अगर मिसस्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है, यानी 10% कर ले, 15% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट, फिर हमारा ओपिनियन क्या होता है भला? के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एक जगह पे मसला है, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, क्योंकि मसला है और मसला मटेरियल है, तो हमें बताना चाहिए ना कि मसला है। इन मटेरियल मसले हो तो वो नहीं बताए जाते, इन मटेरियल मीन्स इग्नोरेबल, मटेरियल मसला हो तो बताए। कैसे बताया जाता है? के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर, यानी डेटर के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, और अगर मसला 50% से ज्यादा हो, अगर मसला 50% से, उसे हम कहते हैं परवेसिव। उसमें हम एक ही बात करते हैं, क्या सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फारग हैं, उसमें एक्सेप्ट फार नहीं करते। भाई फर्क समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट ने 4 पेपर दिए, थोड़ी थोड़ी हर पेपर में गलती की, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलती से कोई फेल थोड़ी होता है, पास हो गया। कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड ओपिनियन। कौन सा मैच करें? कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, पेपर देने के लिए गए, उसमें अनमोड, अच्छा एक पेपर में रह गए 3 पास, मॉडिफाइड, अच्छा मॉडिफाइड में क्या कहेंगे? क्या सारे ही बार नहीं, क्या एक्सेप्ट फॉर 1 पेपर परफॉर्मेंस इज गुड परफॉर्मेंस, और अगर सारे के सारे पेपर ही फारग, इफेक्ट परवेश, क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस इज बैड।
एग्जाम में याद रखिए, एक पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उसमें दो तीन नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। ये क्या है? इमटेरियल। इमटेरियल दो, नॉर्मली दो तीन नंबर के क्वेश्चन पे पास फेल डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर 15-20 नंबर का पेपर नहीं आता, मटेरियल हो सकता है, मटेरियल हो, क्योंकि इससे फेल होने का चांस है। और अगर 51 मार्क्स का पेपर नहीं आता, फिर तो पक्के फारिग है, बाकी चाहे आता भी हो। मैं समझ आ रही? तो ये है इमटीरियल। मटीरियल और प्रवेसिव को हमने कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की। इमटीरियल 5% से कम, मटीरियल 5% और 50%, और प्रवेसिव 50% से ज्यादा। कंसेप्चुअली इसी चीज को ध्यान में रखना है, केस स्टडी में यही कंसेप्ट काम आएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है डिफाइन मटीरियलिटी, डिफाइन परवेसिव, तो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लें। कहता है जी दूसरे डिसीजन पे आ जाएं कि अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है, या तो होगा इमटीरियल, या होगा मटीरियल, या होगा परवेसिव। इमटीरियल क्या है? जो मटीरियल नहीं है। मटीरियल क्या है? अच्छा, ये शायद आप काउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा मटीरियलिटी की डेफिनेशन। आइटम्स आर कंसीडर्ड मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन रटे वाला पार्ट है, यानी कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है हर वो इंफॉर्मेशन मटीरियल है जो यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे। सबसे बड़ा यूजर कौन सा होता है? शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर के डिसीजन को चेंज कर दे तो वो होगी मटेरियल। इसमें आपने कितने स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन पहले काउंटिंग में पढ़ी हुई है, क्योंकि काउंटिंग में है ये डेफिनेशन। चले पढ़ी नहीं तो कोई बात नहीं, अब यहां पे पढ़ ली हमने। आइटम्स, आइटम्स से मुराद मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है। कहता है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन उस वक्त मटेरियल समझी जाएंगी, कब? जब वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट इकट्ठी होके यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे। अब यूजर का डिसीजन, उसने फार्मूला नहीं बताया, लेकिन यूजर से पूछा भैया आपका डिसीजन कब चेंज होता है, उसने कहा जब 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा की मिसस्टेटमेंट हो, उतनी या उससे ज्यादा की, तो हमारा चेंज हो जाता है। हमने पूछा अगर 6% की मिसस्टेटमेंट डेटर में हो, मटीरियल है आपके लिए, क्या है? हमने कहा अगर 3% की इन्वेंट्री में हो और 4% की फिक्स एसेट में, क्या ये मटीरियल है? है। इंडिविजुअली नहीं है, एग्रीगेट। और अगर आप मटेरियलिटी की डेफिनेशन को देखें तो इसमें जो सबसे अहम पॉइंट समझने वाला है वो एग्रीगेट को भी इंक्लूड कर रहा है मटेरियलिटी में। यानी अगर मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर भी मटेरियल हो जाए तो वो मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर भी मटेरियल हो जाए तो मटेरियल है, ठीक है। फिर एंड में एक लाइन लिखी हुई है उसने, क्या? कि मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, ये साइज और नेचर से क्या मुराद है। तो मटेरियलिटी की साइज से मुराद अमाउंट्स है, नेचर से मुराद कोई क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, अभी मैं उस तरफ नहीं आपको लेके जाना चाह रहा। परवेसिव की डेफिनेशन, परवेसिव की डेफिनेशन, परवेसिव मिस, परवेसिव का डिक्शनरी मीनिंग जरा सर्च करें, डिक्शनरी मीनिंग क्या है परवेसिव का, स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, गूगल गूगल पे करें। परवेसिव का जो बड़े पैमाने पे हो, जो इफेक्ट फैला हुआ हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन बड़े पैमाने पे हो, यानी जो एक एरिया को नहीं बहुत से एरियाज को अफेक्ट कर रही हो, मल्टीपल एरिया, किसको? उसे कहेंगे परवेसिव। जो मिस स्टेटमेंट मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट कर रही हो उसे क्या कहेंगे? परवेसिव। या अगर, अच्छा बताइए, एक मिस स्टेटमेंट डेटर्स को भी इफेक्ट कर रही है और क्रेडिटर्स को भी, सेल को भी, परचेज को भी, ये क्या है? क्योंकि ये सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है, ठीक। अच्छा सुने, एक मिस स्टेटमेंट सिर्फ फिक्स एसेट को इफेक्ट कर रही है, गौर से सुनिएगा, सिर्फ फिक्स एसेट को, लेकिन फिक्स एसेट टोटल एसेट का 51% है। ये पर भाई ये तो सिर्फ एक को इफेक्ट कर रही है, वो अकेला ही सबस्टेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? परवे। इसका मतलब ये हुआ मल्टीपल एरियाज की मिस स्टेटमेंट परवेसिव है,
लेकिन सिंगल एरिया की भी हो सकती है। कब? जब वो सिंगल एरिया रिप्रेजेंट्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से सुन ले, परवेसिव की डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिट विचार नॉट कंफाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। कंफाइंड का मतलब होता है लिमिटेड। जो मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन किसी स्पेसिफिक या सिंगल एलिमेंट तक का लिमिटेड नहीं है, यानी वो ज्यादा एलिमेंट पे है, ज्यादा एलिमेंट पे है, वो क्या है? परवेसिव। और अगर कोई सिंगल एलिमेंट पे लिमिटेड है लेकिन वो सिंगल एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो वो भी परवेसिव। अगली लाइन रटे वाली, इफ डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल, इफ डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल, ये लाइन रटे वाली क्लियर। यहां पे रुक जाए थोड़ी देर, आपको ये फीलिंग आ रही होगी आज सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। मैं इसको करेक्ट कर दूं, अगर सिर्फ एक चीज, ये पता है लेक्चर किस वजह से लेंथी हुआ है? एग्जाम्पल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट और एग्जाम्पल्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन की वजह। अगर मैं आपको सिर्फ केस स्टडी तैयार करवाता ना तो ये आपका लेक्चर आधे घंटे का होता, लेकिन चूंकि मुझे आपको रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी तैयार करवाना था तो मैं चाहता था जब आप रट्टा लगाने लगे आपको अंडरस्टैंडिंग, तब भी रट्टा लगाने के लिए भी समझ आना जरूरी है ना, वो याद करना याद रखना आसान हो जाए। इसीलिए अगर आप खुद देख लें, हमारे लेक्चर का तकरीबन आधा हिस्सा अभी तक का वो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन हुई है। तो इसीलिए अब मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं आपकी। अब मिस स्टेटमेंट स्कोप एग्जाम्पल को साइड पे कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स को साइड, डेफिनेशंस को साइड पे कर रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट कौन से थे? रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट कौन से हैं? मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल, मटीरियलिटी की डेफिनेशन, परवेसिव की ये सारी चीजें निकाल दे, बाकी शायद 10-15 मिनट का लेक्चर बचेगा। इसीलिए मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं अब इसकी बात सिर्फ केस स्टडी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हुए, क्योंकि बाकी चीजें आप याद कर लेंगे। ऐसे यार फिर से स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर ने ओपिनियन देना है, दो चीजों को सामने रखेगा, पहली चीज कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और दूसरी चीज अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है, इमटीरियल मटीरियल या परवेसिव। ठीक है, डेफिनेशन देखी जाए तो मटीरियल परवेसिव की डेफिनेशन ये है। केस स्टडी को देखा जाए तो केस स्टडी में कोई इमटीरियल है मटीरियल के परवेसिव, उसके रूल्स ये हैं। रट्टे वाली डेफिनेशन मटीरियल के परवेसिव वो क्या है? ये है। केस स्टडी में देखा जाए तो कंसेप्ट क्या है? ये। अब आप एक काम करें, आप इस कंसेप्ट की कोई पिक्चर ले लें, पिक्चर इसको आपने पढ़ा, मैं नहीं समझा रहा, ये जैसे जैसे केस स्टडीज आएंगी ना मैं आपको लिंक करवाता जाऊंगा, आपने इसको पढ़ते जाना, कोशिश करनी है घर जाके इसको पढ़ें और जितना समझ आ सकती है समझे। ठीक है, ये कंसेप्ट है क्या भला कि एग्जाम क्वेश्चन में केस स्टडी में इमटीरियल मटीरियल परवेसिव कैसे डिसाइड करना है, ये कंसेप्ट सारा है क्या? पांच पॉइंट क्या? केस स्टडी में इमटीरियल मटीरियल परवेसिव कैसे डिसाइड करना है, क्लियर? ये आपने पढ़, मैं नहीं अभी समझा रहा, लेकिन मैं इसको रेफर करवाया करूंगा, रेफर करवाया करूंगा। ठीक है, जैसे इक्का दुक्का चले अभी कर ही लेते हैं, वो कहता है हो सकता है एग्जाम में खुद ही दे दे मटेरियलिटी लेवल 10 लाख है, तो जो 10 लाख से नीचे वाली मिस स्टेटमेंट और जो 10 लाख से ऊपर वाली मटेरियल। अच्छा, अगर उसने अमाउंट नहीं दी, उसने परसेंटेज दे दी, तो क्या करना है? अगर उसने कहा मटेरियलिटी इज 10 लाख तो मटेरियलिटी इज 10 लाख, अगर उसने कहा मटेरियलिटी इज 10% ऑफ प्रॉफिट तो आपने अपनी अकल नहीं लगानी कि मटेरियलिटी 5% होता है, 10% क्यों कह रहे हैं, गलत कह रहा है, इसको आता ही नहीं ऑडिट, मुझे आता है, मैं 5% से करूंगा। भाई उसने जब कह दिया मटेरियलिटी 5% 10% ऑफ प्रॉफिट तो उसकी बात माननी है। हाँ, अगर उसने ना अमाउंट दी ना परसेंटेज दी फिर मटेरियलिटी क्या होगी? 5% ऑफ प्रॉफिट, क्लियर? फिर मटेरियलिटी क्या होगी? 5% ऑफ प्रॉफिट। और अगर उसने प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए तो फिर किसको उठाना है? जिसने टोटल एसेट्स को पिक किया वो गलत डायरेक्शन में चला गया, प्रॉफिट के साथ उसने टोटल एसेट्स आपको गुमराह करने के लिए दिया होता है। ठीक है, गुमराह करने के लिए सराते मुस्तकीम भी साथ और गुमराह कुन रास्ता भी साथ, आपने कौन सा चूज करना है? प्रॉफिट वाला। ठीक है, प्रॉफिट और अदर बेंचमार्क गिवन किसको प्रेफर करना है? और अगर कुछ भी नहीं दिया
ना प्रॉफिट दिया ना अमाउंट दे, फिर हम कहेंगे इफ इट इज मटेरियल, क्योंकि हम नहीं ना कैलकुलेट कर सकते, फिर इफ करके करेंगे, क्या करके करेंगे, इफ इट इज मटेरियल तो क्वालिफाइड वो, और इफ परवेसिव तो वो, ठीक है, यानी इफ करके बताएंगे, इफ दिस इज इमटेरियल तो ये करना है, इफ दिस इज मटेरियल, इफ दिस इज मटेरियल तो ये करना है, इफ दिस इज परवेसिव तो ये करना है, तीनों कैसे, तीनों बता दे, दोनों भी बता दे तो चलेगा, क्योंकि इमटेरियल तो इमटेरियल है, इमटेरियल तो इग्नोरेबल है ना। चलिए फिर से सुन लीजिए, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 10-12 मिनट ही पढ़ा है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले हमने देखना है मिस स्टेटमेंट है क्या स्कोप लिमिटेशन, अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो देखना उसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव, ठीक है। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन कैसे डिसाइड करेंगे, एग्जाम्पल्स बता दिए, मटेरियल परवेसिव कैसे डिसाइड करेंगे उसका भी रूल बता दिया, ठीक है। रटे वाला सवाल पूछे तो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन और केस स्टडी के लिए और रटे वाले सवाल में मटेरियलिटी परवेसिव की डेफिनेशन पूछे तो ऊपर वाली लिखनी है, और केस स्टडी में कैसे डिसाइड करना है कि मटेरियल है कि परवेसिव, वो ये रूल्स हैं, जिनमें से तीन रूल्स मैंने आपको बता दिए, तीन रूल्स बता दिए, ये इंशाल्लाह 70% केस स्टडी इन तीन रूल से सॉल्व हो जाएंगे, तीन रूल्स काफी है। अब मुझे बताइए आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव, ठीक है, कैसे डिसाइड किया केस स्टडी में ये रूल, रिप्रोडक्शन में पूछे वो भी बता देंगे। अब क्या करना है आखिरी, अब वो पॉइंट है जिस पे लाने के लिए ये सारी डिस्कशन की थी। आप मुझे बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, अकाउंटिंग बड़ी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग हर लेवल पे पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का सबसे अहम कंसेप्ट कौन सा है, डेबिट क्रेडिट, शाबाश। जिस तरह अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में डेबिट क्रेडिट है ना, आप छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर बड़े के बड़े टॉपिक पहुंचे, बैकएंड पे यही काम कर रहा है, बैकएंड पे ये डेबिट क्रेडिट का रूल। उसी तरह ऑडिट में भी एक कंसेप्ट है जो उतना ही अहम है जितना अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट, और वो कंसेप्ट कौन सा है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन, डिसाइडिंग टाइप ऑफ, जिस तरह अकाउंटिंग के हर टॉपिक के बैकएंड पे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट काम कर रहे हैं, आप देखेंगे ऑडिट के तकरीबन हर चैप्टर में ये टाइप ऑफ ओपिनियन का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, ऑडिट की हर स्टेज पे हर फेज पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। जिस तरह किसी को अगर डेबिट क्रेडिट का रूल ना आए, आप कहेंगे भाई हो तो सब कुछ हो सकते हो, अकाउंटेंट नहीं हो सकते, उसी तरह जिसको टाइप ऑफ ओपिनियन का कंसेप्ट ना आए, आपने कहना भाई और तो सब कुछ हो सकते हो, ऑडिटर नहीं हो सकते। तो हमने जब टाइप ऑफ ओपिनियन देना, आज के लेक्चर से अहम चीज, बाकी हर चीज भूल जाए मुझे दुख नहीं होगा, ये चीज भूले अपने हाथों से शहीद करूंगा, ये चीज नहीं भूल, बाकी हर चीज आज के लेक्चर की भूल जाए कोई मसला, फिर पढ़ेंगे फिर याद आ जाएगी, लेकिन ये चीज जो अब बताने जा रहा हूं पूरे लेक्चर में सबसे अहम, पूरे लेक्चर में नहीं पूरे कैफ एट में सबसे अहम, पूरे कैफ एट में नहीं, कैफ एट C5-6 MSA में सबसे अहम कंसेप्ट इस प्रोफेशन का आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से, ऑडिटर डिसाइड कर रहा है एक ओपिनियन कौन सा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल और परवेसिव। अच्छा इमटेरियल, अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, ऑडिटर जो ओपिनियन देगा अनमोडिफाइड। स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो इसको इकट्ठा ना कर दो, अलग-अलग लिखूं, ऊपर भी अनमोडिफाइड नीचे भी अनमोडिफाइड, भाई जितने कंसेप्ट कम हो जाए उतना अच्छा है। तो फिर से बताइए जब मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इन मटेरियल कौन सा ओपिनियन, अनमोडिफाइड। अब ये केस स्टडी के क्वेश्चन में क्लियरली नहीं कहेगा ये मिस स्टेटमेंट इसका इफेक्ट मटेरियल है, केस स्टडी में आपने खुद ढूंढना होगा ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, खुद ढूंढना होगा इसका इफेक्ट इन मटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। शुरू शुरू में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कभी मिस स्टेटमेंट होगी आप स्कोप लिमिटेशन पे चले जाएंगे, स्कोप लिमिटेशन पे चले जाएंगे, इमटेरियल मटेरियल पे चले जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ ये मसले मसाइल, दो दिन लगेंगे, दो तीसरे दिन आप इसके एक्सपर्ट होंगे अगर असाइनमेंट साथ साथ करते रहे इंशाल्लाह। अगर मिस स्टेटमेंट है
उसका, अब गौर से सुनेगा, खुद से नहीं बोलना, अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, ऑडिटर जो ओपिनियन देगा उसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। उसका नाम क्या रखा? मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड, तो जब मिस स्टेटमेंट हो इफेक्ट मटेरियल तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन हो इफेक्ट मटेरियल तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन। तो क्या इनको इकट्ठा ना कर लूं? इकट्ठा कर लेते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। अब सुने, अच्छा इसमें वर्डिंग पता क्या होती है आर्टिकल की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। इसमें वर्डिंग पता क्या होती है? एक्सेप्ट फॉर डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा अब मुझे 100 रुपए का हाथ उठाना है। मिस स्टेटमेंट है उसमें भी क्वालिफाइड ओपिनियन है, स्कोप लिमिटेशन है उसमें भी क्वालिफाइड ओपिनियन, दोनों सूरतों में ऑडिटर रिपोर्ट में ओपिनियन देगा एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यूजर को ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट फॉर मिस स्टेटमेंट वाला है कि स्कोप लिमिटेशन वाला? शाबाश, बेसिस ऑफ ओपिनियन से। कहां से पता चलेगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखा होगा कि यह मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। भाई क्लियर हो गया ये? आगे चलते हैं। मिस स्टेटमेंट है इमटीरियल, कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटीरियल, स्कोप लिमिटेशन है इमटीरियल इफेक्ट, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटीरियल। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, तो जो ओपिनियन देगा ऑडिटर उसे कहते हैं एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। और अगर स्कोप लिमिटेशन हो इफेक्ट परवेसिव हो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा सिर्फ समझाने के एग्जांपल के तौर, एडवर्स ओपिनियन में अटैक वर्डिंग पता क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, सारी की सारी नहीं है। इसमें और इसमें फर्क समझ आया? इसमें एक्सेप्ट फॉर गारंटी बाकी ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? सारी की सारी पा रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पता क्या कहता है? हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे, हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे, वी डू नॉट गिव एन ओपिनियन। क्यों नहीं ओपिनियन दे? क्योंकि चेक ही नहीं कर सके, क्योंकि चेक ही नहीं कर सके। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कह रहा है चेक किया सारा कुछ गलत है, तकरीबन सारा कुछ गलत है। इसमें क्या चेक ही नहीं कर सके तो नो ओपिनियन, नो ओपिनियन। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें भी कह रहा था चेक नहीं कर सके, लेकिन एक एरिया। इसमें क्या कह रहा है? तकरीबन सारी फाइनेंशियल देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका ऑडिट का डेबिट क्रेडिट है जो अभी आपने सीखा है यहां पे। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है, अगर मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट इमटीरियल, कौन सा ओपिनियन? मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटीरियल, मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट इमटीरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इमटीरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल। शाबाश। अच्छा ये प्रैक्टिस तो हमारी थोड़ी सी होगी, घर जाके खूब प्रैक्टिस करनी आती है, लेकिन मेरे जहन का सवाल अभी वही के वही है। हमने तो पढ़ा था कि अनमोडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड होता है, दो टाइप, तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन किधर गया? हाँ जी, याद रखिए दो बातें। पहली बात, जब सब्जेक्ट की बेसिक्स डेवलप हो रही होती है ना, तो आपको लेवल वन के कंसेप्ट देने होते हैं, बाद में उन कंसेप्ट को आगे हमने लेबोरेट करना होता है। लेवल वन का कंसेप्ट क्या दिया था? ओपिनियन या तो अनमोडिफाइड होगा, इन सारे ओपिनियन को कलेक्टिवली मॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं, और इस टर्म को आपने आज के बाद इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये मॉडिफाइड ओपिनियन, आपने ये नहीं, मैं अगर कहूं ना मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल है, आपको कसम है आपने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं कहना। क्या कहना है? क्वालिफाइड। मैं कहूं स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं कहना, क्या कहना है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर? तो आपने ये आज घर जाके कुछ भी ना करे चाहे, वैसे तो सारा कुछ करना है, लेकिन फिर भी
इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन किन फैक्टर्स पे बेस कर रहा है, कौन सी सिचुएशन हुई, क्या डिसीजन करना है, ये है। क्लियर हुई? तो आज का लेक्चर आपको लग रहा होगा बड़ा लेंथी था, तो सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑफ मिस रट्टे का क्वेश्चन मैं निकाल देता ना लेक्चर में से, ये 20 मिनट का लेक्चर नहीं है, लेकिन रट्टे वाले की वजह से वह। तो मेन कंसेप्ट क्या है, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पहचाननी है। तो आज आपकी होम असाइनमेंट बहुत क्रिटिकल है, इसको आपने लाजमी करना है। क्लियर जी? चलिए, अच्छा ये अनाउंसमेंट क्या है, अपना रजिस्टर जो है लास्ट बेंच में हमारे टीए हैं उनको देते जाइए, और फीमेल स्टूडेंट्स अगर वो रजिस्टर हमें सबमिट, प्राइस था ना Yes, sir. वो अपने बेंच पे ही रजिस्टर छोड़ जाएं, नाम शाम लिखे ना ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने बेंच पे ही रजिस्टर छोड़ जाएं, हम कलेक्ट कर लेंगे। और हाइब्रिड स्टूडेंट्स, हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स, अपना रजिस्टर जो हाइब्रिड क्लास में टीए हैं उनको हैंडओवर कर दें। ठीक है जी? क्लियर? जो स्टूडेंट प्राइज क्लेम करना चाहते हैं, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? बताया था ना आपसे अरबों रुपया लिया हुआ ना हमने, आपको लूटा हुआ है, तो आप अब, हाँ जी जी, तो आपको वापस करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है हमने, हाँ। लेकिन अगर असाइनमेंट करेंगे तो, वरना नहीं। ये प्राइस क्या होगा, कितने का होगा, ये आपको कल पता चल जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।